इतनाल खारिज को अफगान अबूदी हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूबा मुनीर अकरम ने इतनाल खारिज को अफगानिस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। कहा, इतनाल खारिज अफगान अबूदी हुकूमत की हिमायत से दहशतगर्द हमले कर रहा है। पाकिस्तान कौमी सतह पर इतनाल खारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता रहेगा। पाकिस्तान इलाकाई और बैनुल अक्वामी तंजीमों के साथ तआवुन करने के लिए तैयार है ताकि TTP के खतरे को कम किया जा सके। अफगान हुकूमत अपनी बैनुल अक्वामी जिम्मेदारियों पर अमल करे। बैनुल अक्वामी बरादरी अफगानिस्तान में अपने मकासिद को नजरअंदाज न करे। सदर मम्लिकत आसिफ अली जरदारी ने मकबूजा कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात मुस्तरद कर दिए। कहा, ये इंतखाबात कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादियत का नेमुल बदल नहीं हो सकते। ऐसे इंतखाबात कश्मीरी आवाम के लिए नाकाबले कबूल हैं। आर्मी बरादरी से मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर मोदी हुकूमत को जवाबदेह ठहराए। अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के लिए राय शुमारी के लिए ठोस इकदाम किए जाएँ। ग्यारह 12 13 में और फिर 2017 18 19 में तो ये बार बार कहा है। ये खास तौर पे जब 1843 की भरमार हुई दो अदवार में 2009 10 11 12 13 में और फिर 2017 18 19 में तो ये बार बार कहा गया कि ये होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये है कि एक इंडिपेंडेंट अदालत बना दी जाए कॉन्स्टिट्यूशन में। आइनी तरमीम के हवाले से जो पैकेज गर्दिश कर रहा है वो आरजी है, ड्राफ्ट उस वक्त तक फाइनल नहीं होता जब तक काबीना की मंजूरी ना मिल जाए। वज़ीर कानून आदम नज़ीर तारड़ का वकला के इजलास से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी की जानिब से अदालती रिफॉर्म्स का मुतालबा सामने आया, हमारे मंशूर का भी हिस्सा है। पीपल्स पार्टी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नामुकम्मल एजेंडे पर काम करने का कहा। मामला आइनी तरमीम का है, उसने दो तिहाई से मंजूर होना है। लिबनान में धमाके के बाद बेजर बनाने से मुतालिक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। बेजर बनाने वाली ताइवानी कंपनी का बेजर हंगरी की कंपनी में बनने का दावा। हंगरी ने ताइवान के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, लिबनान में जिन डिवाइसेस में धमाके हुए वो हंगरी में कभी नहीं थे, हमारी ट्रेडिंग कंपनी है, इसका बेज बनाने का काम नहीं। तहकीकती रिपोर्ट में कहा गया कि गोल्ड पोलो के मुताबिक BAC नामी हंगरी कंपनी को लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के तहत बेजर्स का ये मॉडल बनाने और इसकी ब्रांडिंग की इजाज़त हासिल थी। अमरीका लिबनान में डिवाइस धमाकों में मुलव्वस नहीं, तर्जमान वाइट हाउस जॉन किर्बी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, हमें अब भी यकीन है लिबनान के साथ आगे बढ़ने का एक सफारती रास्ता है। डिवाइस ब्लास्ट के वाकयात का सीज फायर डील पर क्या असर पड़ेगा, कुछ भी कहना मुकाबल अज वक्त होगा। अमरीका मशरक़ वस्ता में कशीदगी नहीं चाहता। मशरक़ वस्ता के बहरान का हल मजीद फौजी ऑपरेशन में नहीं, नया महाज खुलने से रोकने के लिए पेचीदा सफारती अमल से गुजर रहे हैं। नामीबिया के बाद एक और अफ्रीकी मुल्क का जंगली जानवरों को मारकर गोश्त आवाम में तकसीम करने का फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जिम्बाब्वे 100 साल की बदतरीन खुशकल साली से दो चार है। 700 से ज्यादा जंगली जानवरों को मारकर खुश्क गोश्त गोश्तखोर से मुतासर अफराद को तकसीम किया जाएगा। 83 हाथी, 30 गेंडे, 7 भैंसे, 50 एम्पलाइन हरन, 100 ब्लू वाइल्ड बेस्ट और 300 ज़ेब्रा शामिल। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ इसराइली आवाम में गम गुस्सा मजीद बढ़ने लगा। नेतन्याहू को मुखबियों को बाजियाब कराने के लिए इसराइली आवाम की जानिब से सख्त दबाव का सामना। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली आवाम नेतन्याहू को खित्ते में अमन दुश्मनी और जंग का जिम्मेदार ठहरा रही है। नेतन्याहू इसराइली आवाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। इसराइली PM ऑफिस ने कहा, आवाम नेतन्याहू पर दबाव डालने के बजाय संवार पर दबाव बढ़ाएं।